दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी ऑनलाइन पर। देखिए अभी जैसा कि आपको पता है कि राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की अभी अभी वैकेंसी 1473 वैकेंसी आई है 1473 और 22 दिसंबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 18 जनवरी लास्ट डेट है वहां तक आपको फॉर्म भरना है। इसको लेकर काफी जो हमारे साथी हैं वो पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे थे, वो जानना चाह रहे थे कि इसके बारे में थोड़ा स्ट्रेटेजी बताइए क्या है, तो मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये वैकेंसी जो राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता की जो वैकेंसी निकली है, पहली बात तो कि इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी बहुत लंबे समय के बाद है। राजकीय इंटर कॉलेज एक्चुअली बहुत लिमिटेड होते हैं तो इनमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत मतलब लिटिल वैकेंसी आती है। और इसकी प्रक्रिया, ये जो सिलेबस चयन की प्रक्रिया परिवर्तित होकर आई है, ये पहली बार आई है क्योंकि इस पद्धति पर आज से पहले कभी भी राजकीय इंटर कॉलेज में एग्जाम हुआ ही नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं बात कर रहा हूँ 11, 12, 13, 14 के दौर की, उस समय जब भी राजकीय इंटर कॉलेज में वैकेंसी आती थी तो वहां पर सिलेक्शन मेरिट के बेस पर होता था। मतलब जो लोग अप्लाई करते थे पोस्ट ग्रेजुएशन में उनके जो भी मार्क्स, जितने भी उनके मार्क्स हैं, उस मार्क्स के आधार पर कट ऑफ डिसाइड की जाती थी और फिर आफ्टर दैट उनका इंटरव्यू होता था और सिलेक्शन हो जाता था। मतलब रिटन एग्जाम भी वहां पर नहीं था। लेकिन चूंकि धीमे धीमे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते गए, थोड़ी सी वैकेंसी होती है, 10-12 वैकेंसी पर भी हजारों लाखों की संख्या में फॉर्म पहुंच जाते हैं, तो आयोग ने थोड़ा पद्धति को चेंज किया। और क्या चेंज किया कि छटनी करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स कैसे हैं, वहां पर उन्होंने प्री एग्जाम रखना शुरू कर दिया, स्क्रीन टेस्ट बोला गया उसे, तो 2014 में भी हुआ था, उसके बाद हुआ था। तो उसमें क्या करते हैं कि सारे लोग अप्लाई करते हैं, रिजल्ट आता है, स्क्रीनिंग के बेस पे वो छटनी करते हैं कि ये कैंडिडेट्स हैं, और स्क्रीनिंग के नंबर कंसिडर नहीं होते वहाँ पे, और फाइनली इंटरव्यू जो होता था उसके बेस पे सिलेक्शन हो जाता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे परिवर्तित हुई हैं। पहली चीज़ तो ये हुई कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा बिल्कुल इक्विवेलेंट टू PCS हो गया है ना। थोड़ा ख़राब लग रहा कहते थे लेकिन मैं बताऊँ, इसमें PCS लेवल का एग्जाम हो गया, क्योंकि इसमें पहली बार तो दो चरण हो गए, एक प्री एग्जामिनेशन हो गया और एक मेन एग्जामिनेशन हो गया। प्री एग्जामिनेशन की सिलेबस की बात करें तो अभी तक जहाँ जब प्रवक्ता के लिए चयन होता था तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ही मैटर करता था, इस बार इन्होंने जनरल स्टडीज को शामिल किया। जनरल स्टडीज पहले भी शामिल होता रहा है लेकिन इस बार सिलेबस पूरा ब्रॉड करके, यानी लगभग इक्विवेलेंट टू PCS, कुछ थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है। बाकी जनरल स्टडीज का जो सिलेबस हम बात करेंगे तो जो PCS प्री का होता है वही लगभग रखा हुआ है, तो उसमें से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो मेन एग्जामिनेशन है सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होगा उससे आपके 80 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन वहां पर रहेंगे प्री में। तो प्री में जो सिलेक्शन है, पहले तो सबसे पहले तो प्री भी फोकस करना चाहिए, फिर उसके बाद जो मेन एग्जामिनेशन होगा वहां पर काफी डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। वहां पर दो पेपर्स होंगे और दोनों रिटन है, मतलब कोई ऑप्शनल नहीं है, यू हैव टू राइट डाउन विद द हेल्प ऑफ पेन एंड कॉपी। तो वहां पर एक पेपर पहला हिंदी का रहेगा, हिंदी में, मतलब जन आप समय कल्पना कर सकते हैं क्या कि संधि समास पर्यायवाची क्या कहते हैं मुहावरे आते हैं वहाँ पे, आप उत्तर प्रदेश की बोलियाँ आती हैं, वो भी इक्विवेलेंट टू PCS, जो PCS में रखते हैं ना वो हिंदी का सिलेबस, लगभग वही सिलेबस उसमें थोड़ा सा कम करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो सिलेबस उसमें ऐसे भी रहेगा, ठीक है। तो उसमें वो जो हिंदी का पेपर है टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स में 50 मार्क्स में जनरल हिंदी पूछी हुई है, 50 मार्क्स में वो 25 के दो ऐसे ही पूछेंगे, ऐसे वाला सिलेबस भी PCS वाला है, ठीक है। तो पहला 100 मार्क्स का पेपर वो हो गया, बहुत कठिन नहीं है लेकिन हाँ स्ट्रेटेजी के साथ काम करने की आवश्यकता है। जो सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्टिव होगा वो लगभग सबका इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में जो PG कर रखा है लोगों ने, तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है वो ऑलरेडी दे आर एलिजिबल, और जो अप्लाई करेंगे मैं मानता हूँ वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी टीचिंग में है, तो प्रिपरेशन में प्रोफेशन कर रहे हैं, अदरवाइज वो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो एक और मेरी बात भी माननी है कि किसी बंदे का सिलेक्शन, कुछ बंदे पूछ रहे थे मुझसे साथी हमारे कि सर आपका सिलेक्शन हुआ, तो मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मेरा भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन नहीं हुए। हाँ एक दो बार मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, 2011 PGT जो था केमिस्ट्री का, मैंने वो क्वालिफाई किया लेकिन वहाँ पर क्या इंटरव्यू मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। अगेन 2014 में जब डाइट प्रवक्ता का एग्जाम हुआ तो वहाँ पर ये जो पैटर्न इस समय आ रहा है ये सेम पैटर्न था, मैंने फिर से रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया लेकिन इंटरव्यू में फिर से क्वालिफाई नहीं कर पाया। और अभी इस बार जो हुआ है तो ये जो
बीईओ खंड चरकारी वाली परीक्षा थी, इसमें मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेन के लिए एग्जाम दिया है, अभी रिजल्ट उसका अवेटेड है, और 2020 वाला प्री का भी मेरा क्वालिफाई है। तो ये मतलब एक चीज में ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा एलिजिबल हूँ, बहुत ज्यादा काबिल, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैंने जो चीजें सीखी वो आप तक पहुंचे, क्योंकि ये जो चीजें हैं एक बंदे का सिलेक्शन हो जाता है और एक का सिलेक्शन नहीं होता। मैं वहां पे आपको बताऊं कि डिफरेंस पॉइंट्स का होता है, ऐसा नहीं होता कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ जो कुछ नहीं आता वो ऐसे ही साधारण इंसान है, और जिसका सिलेक्शन हो गया वो बहुत काबिल इंसान है। बहुत पॉइंट्स में, मैंने उनके लिए बहुत पॉइंट्स का डिफरेंस होता है पॉइंट। तो जो पीजी है मैं मानता हूँ सभी के सभी ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है, काबिल है। ये हो सकता है कि मुझे 10 बातें ज्यादा आती हों तो डेफिनेटली उन्हें भी 6 बातें मुझसे ज्यादा आती होंगी, जो उन्हें आती है मुझे नहीं आती। तो फिलहाल मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ इसमें, एक तो देखिए आपको स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं तो पहला काम फर्स्ट ऑफ ऑल तुरंत आप फॉर्म भर दीजिए। 18 जनवरी का वेट मत करिए, क्योंकि जितने भी फॉर्म्स आते हैं तो हर बार अगर आप देखेंगे, मैंने अभी इसमें मैंने भी देखा था खंड चतकारी में काफी सारे फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए ना, कुछ लेट पहुंचने की वजह से रिजेक्ट हो गए, लेट पहुंचने की वजह से रिजेक्ट हुए। क्या था, किसी में मूल्यवास मांगा था, कुछ मांगा था, लोग वेट करते रहते हैं, फाइनली लास्ट मोमेंट में पोस्ट करते हैं, तो पोस्टल डिले की वजह से वहां पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो जो भी प्रिपरेशन है आप उसे थोड़ा स्टडी करके फॉर्म तत्काल भर दीजिए, और अगर आप अपीयर होना ही है तो कल से ही स्टडी में जुट जाइए। मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग अभी आपको बताऊंगा कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि आप फॉर्म भर दीजिए। मैं इसी वीडियो के लिंक में आपको 2014 वाला जो पेपर था उसका PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक राजकीय इंटर कॉलेज के और जो पेपर हुए हैं एक दो, तो उनकी भी PDF की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा पेपर देख के आइडिया लग जाएगा किस लेवल का पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो GS डिसाइडिंग होगा, क्योंकि 80 जो सब्जेक्ट वाले हैं वो तो लगभग बंदे फाइट करेंगे, सभी करेंगे, लेकिन जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं वो डिसाइडिंग होंगे, क्योंकि जनरल स्टडी केमिस्ट्री वाले का जनरल स्टडी से थोड़ा सा लेना देना कम ही होता है। या तो बंदा तैयारी कर रहा हो, सिविल की तैयारी में लगा हो पहले से, हाँ प्रिपेयर कर रहा हो, तो वो तो कर लेगा, अदरवाइज केमिस्ट्री वालों का जनरल स्टडी से थोड़ा लिंकेज कम रहता है। तो 40 क्वेश्चन पे हमें भी काफी फोकस करना है, स्ट्रेटेजी के साथ हमको शुरुआत करनी है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको मैं संभवतः कल से जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि मैं आपको 10-15 दिन की फ्री ट्रायल क्लासेस दूंगा। एक और थोड़ा सा आपको सजेशन, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मानते हैं अपना, उनके लिए कि यूट्यूब क्या है कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम उसे यूज कैसे करते हैं ये आपके इंटेलिजेंस पर काफी डिपेंड करेगा। अभी खंड चतकारी परीक्षा के दौरान मैंने भी एक, मैंने सोचा चलो यार यूट्यूब से ऑनलाइन स्टडी हो रही कुछ करके देखते हैं, 8500 पे कोर्स परचेज किया, और उस कोर्स के अंदर इतनी ज्यादा ब्लेंडर मिस्टेक्स, जो भी उन्होंने मटेरियल दिया इतनी ज्यादा ब्लेंडर मिस्टेक्स थी कि मैंने एक वर्ड उसका नहीं पढ़ा, रिजल्ट नहीं आया, पहले से ही बोलता हूँ, एक वर्ड नहीं पढ़ा। और उस ग्रुप के अंदर जो बंदे जो उस कोर्स को कर रहे थे यार, तारीफ करते करते नहीं थक रहे थे, वाह सर वाह, वाह मैम वाह सर, तो ऐसा भी होता है। तो थोड़ा सा देखभाल के आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा, आपको कोर्स ज्वाइन कराते हैं, फीस ले लेते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे लेके जाते हैं, और वहां पे बोले साहब क्या हिस्ट्री, बोले लक्ष्मीकांत पूरी किताब उठा के दे दी आपको पढ़ ले बेचारे, ज्योग्राफी पूरी किताब उठा के दे दी, नोट्स 500 पन्ने के नोट दे दिए हिंदी के पढ़ ले। तो जो टाइम पीरियड है इसका, एग्जामिनेशन की डेट बहुत ज्यादा आगे जाएगी, तो अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। इस समय जो लोक सेवा आयोग एग्जामिनेशन करा रहा है वो पुरानी पद्धति चेंज हो चुकी है, आप देख पा रहे हो बहुत तेजी के साथ परीक्षाएं हो रही हैं, कोरोना काल में भी लगातार परीक्षा होती रही है ना, रिजल्ट भी आते रहे, बहुत सारे रिजल्ट क्लियर हुए हैं, तो बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है, एग्जामिनेशन बहुत डिले होता है, तो अप्रैल में एग्जामिनेशन डेफिनेटली होना ही होना है, मतलब 3 महीने, आप 3 महीने मान के चलिए, क्योंकि इधर बोर्ड एग्जामिनेशन होता है तो सेंटर्स थोड़ा टीचर्स बिजी रहते हैं, तो मार्च में हो सकता है पॉसिबिलिटी एग्जाम ना हो पाए, अप्रैल में, मार्च में नहीं हो पाया तो अप्रैल में डेफिनेटली एग्जाम हो रहा है। तो आप माइंड मेकअप कर लीजिए, यू आर हैविंग ऑनली 3 months फॉर द प्री एग्जामिनेशन, पहली बात तो ये होगी, अप्रैल में आपका एग्जाम होना ही होना है, अप्रैल की आपको तैयारी करनी है। अब स्ट्रेटेजी ये है कि मैं आपको 10 से 12 दिन की जो भी 15 दिन की क्लासेस होंगी, मैं अभी कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, मैं ना मैंने कोई फीस डिसाइड की, ऐसे आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं अभी नंबर 9897415815, ठीक है, तो 9897415815 पर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, लिखिएगा वहाँ पे कि आप मतलब जनरल स्टडी और
केमिस्ट्री मैं देखिए एक तो जनरल स्टडीज जो कॉमन रहेगा सबके लिए, तो जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन मैं कराऊंगा आपको, और इसके साथ साथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट मेरा रहेगा बस, बाकी मैं सब में हाथ में नहीं मांगता, इसमें मुझे कर दिया जितने मुझे कमांड है वही सब्जेक्ट मेरा रहने वाला है। तो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगा और जनरल स्टडीज की कराऊंगा। तो जो लोग अदर सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं वो मेरे साथ जनरल स्टडीज में जुड़ सकते हैं, ठीक है, पेपर में, और जो लोग केमिस्ट्री के हैं वो केमिस्ट्री में भी जुड़ सकते हैं। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, उस पर लिखेंगे जनरल स्टडीज, और दोनों आप ज्वाइन करना चाहते हैं जनरल स्टडीज और व्हाट्सएप जो भी है तो वो लिख के आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। क्लासेस टोटली स्टार्टिंग में फ्री रहेंगे लगभग 15 डेज की, मैं ट्रायल क्लासेस आपको दूंगा। मैं नहीं कह रहा था मुझे ज्वाइन करिए, आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैंने थोड़ा सा आपको अवेयर कर दिया कि वहां पर क्या होता है, आप जाइए देखिए क्लासेस को वॉच करिए, बहुत बहुत अच्छी क्लासेस भी हैं और बहुत बहुत खराब भी हैं, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। हाँ, अगर मैं क्लासेस नहीं चलाता हूँ तो फिर मैं डेफिनेटली ऐसे चैनल्स के लिंक आपको बताऊंगा जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां से मैंने कुछ अच्छे चैनल्स भी काफी मौजूद हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ से अभी आप मुझे भेजेंगे, मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दूंगा, उसमें आपको ऐड करूंगा, और कल से ही आपको मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द टाइम टू वेस्ट, आपके पास वेस्ट करने को बिल्कुल भी समय नहीं है। इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू स्टार्ट एडवांस, अभी शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन काफी मतलब असंभव नहीं है लेकिन बहुत आसान मान के चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जामिनेशन पहली बार पीसीएस के पैटर्न पे हो रहा है, पीसीएस का सिलेबस दिया जा रहा है, जीएस का प्री होगा, फिर मेन होगा, दोनों रिटन होंगे, तो पहले तो प्री क्वालिफाई हो, मेन की तैयारी थोड़ा आसान पड़ेगी लेकिन उसमें भी काफी काम हमें करना होगा। तो हमारे यहाँ आपको 15 डेज लगभग 15 क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद आपका इंटरेस्ट देखते हुए और मुझे लगेगा कि हाँ मैं आपको मंजिल तक पहुंचा सकता हूँ, मैं तभी रेगुलर पेड क्लासेस स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं पेड क्लासेस स्टार्ट नहीं करूंगा। जो गाइडेंस होगी, हेल्प होगी, आपको मिलती रहेगी। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन से इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की PDF आप ले सकते हैं, चेक करिए उसे, ठीक है। इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स कुछ मेरे पास अवेलेबल हैं उनकी PDF भी मैं आपको देता हूँ, उसे आप स्टडी करिए। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं इस चैनल को, हाँ थोड़ा शेयर करिएगा, पर्पज सिर्फ यह है कि अगर क्राउड अच्छी होगी मैं प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। अगर क्राउड नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो अदरवाइज मैं आपका और अपना दोनों का समय बचाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप मुझे करिएगा, कल से ही आपको मटेरियल इस पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ा थोड़ा मैं दे दूंगा, और उसके साथ वीडियो क्लासेस भी होंगी, और अगर हम क्लासेस को कैरी करते हैं तो लाइव क्लासेस भी मस्ट है, वो भी हम सब मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, स्टार्ट कर दीजिए, शुरू करिए अभी, और कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर द नेक्स्ट वीडियो और थ्रू द मैसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।